नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं मनाली शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वशिष्ठ टेंपल में। वशिष्ठ टेंपल गुरु वशिष्ठ को समर्पित है, जो कि भगवान राम के कुलगुरु थे और उन्हीं के सम्मान में 4000 वर्ष पहले इस मंदिर को बनाया गया था। जब वो नाराज होकर मनाली के वशिष्ठ गाँव में आ गए थे और यहीं पर उन्होंने तपस्या करके अपने जीवन का निर्माण किया था। यहाँ आप देख सकते हैं गुरु वशिष्ठ की काले पत्थर से बनी प्रतिमा, साथ ही यहाँ पर गर्म जल का कुंड भी है, जो कि 12 महीने गर्म पानी से लबालब रहता है और इस जल में स्नान करने मात्र से चरम रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर है राम सीता जी का मंदिर, जहाँ पर स्थापित की गई है अयोध्या के त्रेतनाथ मंदिर से लाई गई राम लक्ष्मण की मूर्तियां, जो कि स्वयं भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनवाई थी। आप देख सकते हैं यहां पर स्थित राम सीता की प्रतिमाएं, जो कि वही प्रतिमाएं हैं जिन प्रतिमाओं को भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनवाया था और फिर वहां से इन मूर्तियों को लाकर यहां पर स्थापित कर दिया गया था। साथ ही आप देख सकते हैं चारों तरफ काफी शानदार बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको दिख जाएंगे और सामने है मेन मंदिर, जहां पर वशिष्ठ गुरुजी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। अगर यहां पर आप अपनी बाइक और कार से पहुंचना चाहते हैं तो यहां पर पार्किंग अवेलेबल है। पार्किंग के लिए आपको कार के लिए 200 रुपए और बाइक के लिए 50 और 100 अलग अलग चार्जेस हैं देने पड़ते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही दिख जाएगी, क्योंकि ये मनाली का काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ आने के बाद आपको सच में काफी अच्छा लगने वाला है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ आपको मकानों की श्रृंखलाएं दिख जाएंगी और पहाड़ों के बीच में स्थित ये मंदिर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप मनाली आने की सोच रहे हैं तो आपको अपने ट्रेवल प्लान में वशिष्ठ टेंपल को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि आप जन्नत में आ गए हों। इतना खूबसूरत रास्ता है, इतना खूबसूरत मंदिर है और साथ में चारों तरफ की हसीन वादियाँ आपको सच में काफी अच्छा फील कराने वाली हैं। अगर गर्म जल के कुंड के इतिहास की बात की जाए तो इस गर्म जल के कुंड को स्वयं लक्ष्मण जी ने अपने बाण को चलाकर उत्पन्न किया था, जब वो वशिष्ठ ऋषि को ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे और उन्होंने वशिष्ठ गुरुजी के नहाने की व्यवस्था के लिए गर्म जल निकालने की सोची। तब से ये जल इसी तरह है और बाद में गुरु वशिष्ठ ने इस जल कुंड को वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस जल कुंड में स्नान करेगा उसके चरम रोग दूर हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों काफी ऐतिहासिक है ये मंदिर और ये जल कुंड, इसलिए हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि जब आप मनाली आएं तो यहाँ पर जरूर आएं। साथ ही यहाँ पर है भगवान शिव जी का एक छोटा सा मंदिर, जिसके दर्शन भी हम आपको करा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर कर सकते हैं शिव जी के शिवलिंग के दर्शन, जो कि सच में काफ़ी उम्दा नज़ारा है। आज इस मंदिर में आकर हमें मंदिर में स्थित सभी देवी देवताओं के साथ ही गुरु वशिष्ठ के और शिव जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए हैं। साथ ही ये है यहाँ का छोटा सा मार्केट। इस तरह दोस्तों हमने अपनी वशिष्ठ मंदिर यात्रा को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।